लगाइए एक मॉडल आप बनाओ डालो, ये ट्रांसपीरेशन के अंदर है। अब ट्रांसपीरेशन जब बच्चे बड़ी बार क्वेश्चन करते हैं कि पापा ऐसा होता है कि पेड़ इतना लंबा है, लीफ इतने ऊपर है, पानी कैसे चल जाता है, मोटर तो लगी, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन्हें को सॉल्व करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें मैंने क्या किया, एक बॉटल ली, दो कंसेप्ट क्लियर करूंगा। एक दो ही थ्योरी है लाइफ में जो बताती है पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। एक है रूम प्रेशर थ्योरी, बच्चों को आपने नहीं बताना उस टाइम से, बिल्कुल ये बताना नहीं रूम प्रेशर थ्योरी होती है, ये बताना नहीं ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सिर्फ आपने सिंपल देसी भाषा में बताना है कि ये जो पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, फिर बाद में पर्टिकुलर क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये है क्या, बच्चों को उसको इंट्रोड्यूस करना है। बच्चा मान लो पेड़ है, ठीक है, और ये उसकी स्टेम आ गई, ये उसका लीफ आ गया, ये जो पोर्शन है ये क्या है, जाइलम। तो जाइलम जो कि पाइप होती है हमारे अंदर, पाइप होती है आर्टरी वेन्स, वैसे पेड़ के अंदर भी जाइलम और वेसल होती है फ्लोइंग। फ्लोइंग होती है खाने के लिए, जो खाना आगे पीछे जाता है, और जाइलम पानी को लेके जाता है। और इसके अंदर ये देखो लीफ में भी है जाइलम, रूट इसमें भी है, शूट में भी है, और रूट के अंदर भी होती है। तो हर जगह जाइलम है, यहाँ से पानी ऊपर तक जाता है, सारी जगह पे है। और बना दिया तो बच्चे को पूरा क्लियर कर दिया, बड़े आराम से क्लियर किया। तो बच्चे इसको खुद भी दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप है तो सेक्शन कटिंग करके दिखा सकते हैं, वो आपकी अपनी लेवल है कितना कर सकते हैं। अब आपने बच्चे को बताना है, बच्चा होता क्या है कि जब भी रूट के अंदर एक प्रेशर बनता है, जब भी रूट के अंदर एक प्रेशर बनता है, वो कैसे बनता है, सारे बड़े अच्छे तरीके से बताया था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल तरीके से बताई थी कि जब भी पानी जो होता है, अब मूवमेंट होती है कहाँ, किसकी, सिंपल तरीके से पानी की, यहाँ पे पानी की अमाउंट ज्यादा है, वहां से यहाँ पे पानी की अमाउंट कम है, और बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, सिंपल तरीके से। और दूसरी डेफिनेशन जो कंसंट्रेशन के बेस पे वो होती है कि अगर हम एक गाढ़ा पानी ले लें, जैसे चाशनी गुलाबजामुन वाली, और एक सिंपल वाटर, बीच में एक मेम्ब्रेन, अब मूवमेंट ऑफ योर वाटर की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे वो बिल्कुल डाइल्यूट है, वहां से टूवर्ड द हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे वो बहुत गाढ़ा है, मतलब आप चीनी ले लो चाशनी और बीच में आप मेम्ब्रेन दो, इधर सिंपल पानी तो इधर दौड़ेगा, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे चाशनी वाला पानी है, उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो सिंपल वे में बोलोगे ना तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर गया, वो मेरा मोटिव ही नहीं है। अब हमें बताना है, अब बच्चों को हमेशा एक वाओ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाओ ये क्या है, वो करने के लिए हम कभी बंक होते हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी जो केमिस्ट्री वाले बड़ा कुछ कर रहे हैं, जैसे भी सारा उल्टा पड़ा ये हुआ, हम बायो में कुछ भी ना करें, हम कभी वही इतना चल रहा है सर इसको बम फोड़ते हैं, फिर हम इस बम फोड़े बड़ा अच्छा रहा है, इसमें वो फोड़ दिया हमने, मीन्स वो बैलून वाला भी कर दिया थोड़ा बहुत, है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम ये अब हम क्या करेंगे, कोई आ सकते सर, आपको क्या करना है, इसको लो करना है, पर इसको उतारना पड़ेगा, कोई आ जाए, ठीक है, आप इसको, आपने क्या करना है, इसको ब्लो करना है, ध्यान सुनना, ब्लो करने के बाद थोड़ा सॉल्व कर लो, नहीं फोड़ना नहीं है, ये वाटर को पुश करेगा वाटर कहाँ जाएगा, पाइप के अंदर, अब ब्लो करो जोर से, फूंक मारो तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, अब वो तो नहीं ना मार सकते इधर। तो मैंने क्या किया, इसको फिर बाद में बताऊंगा कैसे बनाया इसको, तो हमने क्या किया, इसको ब्लो करने के बाद यहाँ पे लगाना है, जैसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये लो ऐसे, अब क्या होगा पता नहीं, वो नहीं होगा, देखिए ये लो, देख रहे हो, ये देखो ये क्या हो रहा है, अब ये लीफ से पानी बाहर आ रहा है, लेकिन प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है रूट के ऊपर। अब बताओ रूट के अंदर प्रेशर है, उसी प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, वो पहुंच रहा है स्टेम के जाइलम के अंदर, स्टेम जाइलम से पहुंचता है लीफ के अंदर, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, ऊपर गया, बंद कर दे इसको, चलो देखो इसका बटन भी इधर लगा हुआ है, इधर दबा लो आप दूसरा बढ़ जाएगा,
तो अगर घर में आपके हैंडपंप नहीं है, ये काम भी कर सकते हैं, मुझे लगा दो तो हैंडपंप का भी काम करेगा। घर में शादी शुदी होती है, बड़ा सा बैलून लो एक लगा दो चलता रहेगा, तो वही काम हो सकता है। बायो में साइंस में इतना कुछ है, तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसके अंदर और इसके अंदर प्रेशर बराबर नहीं होगा। अपने इंजेक्शन लेना है और इस इंजेक्शन से यहाँ से बच्चे को बोलना है कोई आ जाए, फिर वही मैं करूँगा, आप हो गए कोई और आ जाए, आज सर मैं मान लू देखते इधर आ जाए। अब दोनों में फर्क देखो, आपने बताना है, एक में हमने यहाँ पे बैलून लगाया था, अब दूसरे में क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, इसके अंदर इंजेक्शन डालो, जा रहा है हाँ, अब इसको खींचो बाहर आ रहा है, ओके बिल्कुल ठीक है, नीचे से लेना, मैं करने से वार्ड मिल रहा है तो ठीक है। तो ये देखो आपने कि यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है, ये देखो मैम ने क्या किया, ये इतना वाटर लिया आया, दोनों में फर्क बताओ क्या, एक मतलब मुझे वो नहीं चाहिए भाई भाई, मुझे बिल्कुल सिंपल भाषा में हिंदी में डोगरी में पंजाबी में बताओ हुआ क्या, पहले ही उसमें क्या अंतर कोई बता सकते हैं। हाँ जी सर, पहले में प्रेशर जो है वो नीचे से था, अब बर्ड पुश कर रहा था, प्रेशर जो है वो ऊपर से पुल किया जा रहा है, तो नीचे से अच्छा वो पुल ऊपर सामने बोल रहा है। अब बताओ पुल जो था वर्ड क्या होता है, खींचना, पुश क्या होता है, धक्का, दोनों में अंतर आ गया। तो इस वाले में हमने पुल किया, पिछले वाले पुश किया था, तो पुश किया तभी नीचे से चीज ऊपर गई, लेकिन वो पुश इतना ज्यादा नहीं था कि 100 फीट पानी दे, लेकिन ये पुल इतना है कि ये नीचे से पानी ला सकता। वो बोलते इतना नीचे से कैसे लाया, छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन वो इतने नीचे से नहीं लाता, वो सेल टू सेल लाता है, यानी कि एक सेल से पानी खींचता है, वो वाला सेल ऑस्मोसिस से सांस लेने से खींचता है, वो वाला ऐसे करते 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 चाहे 300 किलोमीटर का प्लांट होगा उसमें भी ये प्रोसेस चल जाएगा।